प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, यीशु मसीह क्यों आए। जिस तरह लूका की पुस्तक अध्याय 1:26-28 आयत में लिखा है, छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मेरे प्रियो, जब हम उस ऊपर लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत एक कुंवारी लड़की जिसका नाम मरियम था उसके पास भेजा गया और उसने मरियम को कहा कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। लेकिन मरियम ने कहा कि मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूँ और न ही मेरी शादी हुई है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कि परम प्रधान की सामर्थ्य तेरे ऊपर छाया करेगी और पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा और जो पवित्र पैदा होगा वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्रियो, यह एक शर्म वाली बात थी कि एक कुंवारी का बच्चा पैदा हो, क्योंकि लोगों को नहीं पता था कि यह परमेश्वर की ओर से है और यूसुफ जिसके साथ मरियम की मंगनी हुई थी उसके लिए भी यह शर्म की बात थी कि उसकी होने वाली पत्नी विवाह से पहले ही गर्भवती है। मेरे प्रियो, जरा सोचें कि यूसुफ और मरियम दोनों ने इतनी शर्मिंदगी को क्यों सहा। प्रभु यीशु मसीह ने इतनी शर्मिंदगी को क्यों सहा, इसलिए ताकि आप और मैं शर्मिंदगियों से आज़ाद हो सकें। मेरे प्रियो, इस दुनिया में मौत इतनी दुखी नहीं करती जितना शर्मिंदगी दुखी करती है। मौत से भी ज़्यादा वह लोग दुखी हैं जो आज शर्मिंदगियों में जी रहे हैं। आज माँ बाप दुखी हैं, शर्मिंदगी में हैं, क्योंकि उनके बच्चे पाप में हैं, वह शर्मिंदगी में अपना जीवन जी रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कोई भी शर्मिंदगी हो सकती है, बच्चा ना होना, कामयाब ना होना, किसी आशीष या गवाही को ना होना, बीमारी, नशा, कोई भी शर्मिंदगी हो सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप समझें और जाने कि प्रभु यीशु मसीह आपकी उस गरीबी को, शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए ही गरीब परिवार में पैदा हुए और क्रूस पर चढ़े, तो फिर आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानें और अमीर और आशीषित हों और अपनी शर्मिंदगियों से आज़ाद हों। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने चरणी में जन्म लेकर और उस क्रूस को, जो कि एक शर्मिंदगी वाली मौत थी, उठाकर आपकी ओर मेरी शर्मिंदगी को ख़त्म कर दिया है, ताकि जो कोई क्रूस पर विश्वास करे उसकी बीमारियां, उसकी शर्मिंदियां ख़त्म हों। इसलिए अगर आज आप किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी में जी रहे हैं और उससे आज़ाद होना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब लोगों को बताएं। तब परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा और आपको आज़ाद और आशीषित करेगा। आमीन, आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि कोई भी शर्मिंदगी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपने मेरी शर्मिंदगियों को उस क्रूस पर उठा लिया है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीजस। सब कुछ है मसीह की
गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन।